Assalamu alaikum. Causeway School, class 1, 2, 3 और 4 class के लिए ये पहला first English lesson है. आज हम is, am, are का इस्तेमाल सीखेंगे लेकिन to के साथ. यानी is to, am to, are to का इस्तेमाल. मुझे पढ़ना है या मैंने पढ़ना है. I am to read. यानी am के साथ to लगाया हमने और आगे हमने जो काम है जो वर्ब है वो लगा दिया. आई एम टू रीड. अब रीड की जगह चेंज कर दें, कोई और वर्ब लगा दें. आई एम टू प्ले, मुझे खेलना है. आई एम टू ईट, मुझे खाना है. आई एम टू स्लीप, मुझे सोना है. अब अगर तो काम करने वाला यानी जो काम कर रहा है फिक्रे में वो मैं है, आई है, तो उसके साथ हम एम टू लगाते हैं. अगर यू है यानी तुम है और ज़्यादा काम करने वाले हैं तो हम आर टू लगाते हैं. यू के साथ और काम करने वाले ज़्यादा हों तो फिर आर टू. हमने खेलना है, वी आर टू प्ले. हमने सोना है, वी आर टू स्लीप. हमने जाना है, वी आर टू गो. ऐसे ही अगर काम करने वाला एक है तो फिर हम इज टू का इस्तेमाल करेंगे. मैं के अलावा अगर काम करने वाला कोई एक है, मसलन अली ने सोना है, अली इज टू स्लीप. अली ने खेलना है, अली इज टू प्ले. अली ने जाना है, अली इज टू गो. अली ने पढ़ना है, अली इज टू रीड. यानी हम वर्ब तब्दील करेंगे और यूं. अच्छा, अक्सर ये एक गलती हमारे अंग्रेजी लिखने वाले और जो बच्चे हैं वो कर जाते हैं कि वो यानी इरादे में जहाँ इंटेंशन हो कि मुझे खेलना है, यानी ये तो यानी इरादे का इशारा है ना कि मैंने क्या करना है. आई एम टू प्ले, मैंने खेलना, मेरा इरादा है कि मैं खेलूँ. तो इसमें हैव टू का इस्तेमाल कर देते हैं, वी हैव टू प्ले. तो हाँ हाँ हमें खेलना है, तो ये गलत है. तो इसमें इज टू एम टू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हैज टू हैव टू हम अगले लेसन में डिस्कस करेंगे बाद में आने वाले, जिसमें कोई काम करना पड़े. मसलन आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है. आई हैड टू स्लीप, मुझे सोना पड़ा. पास्ट हो तो हैड, प्रेजेंट हो तो हैव. तो बहरहाल ये हम नेक्स्ट लेसन में. आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो इज टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल है, जिसमें हम अपने किसी इरादे को जाहिर करते हैं. आप को मैं कुछ फिक्रे लिखवा रहा हूँ, आप इनकी अंग्रेजी कीजिए और ख़ुद से इसको बाकायदा लिखिए. उर्दू सेंटेंसेस भी लिखिए और उनके आगे फिर आप अंग्रेज़ी सेंटेंसेस भी लिखिए, तो हम आपको बताएंगे कि आपने इसको चेक कैसे करना है. हम आपको वो तरीका बताएंगे. तो पहला फिक्रा आप लिखिए, लड़कों ने पतंग उड़ाना है. अब लड़कों की अंग्रेजी बॉयज हमें पता है, पतंग की अंग्रेजी काइट है, के आई टी ई काइट. उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई है, एफ एल वाई फ्लाई. हमने फूल उगाना है, तो उगाना की अंग्रेजी ग्रो है, जी आर ओ डब्ल्यू.
GROW, और पौधे को हम प्लांट कहते हैं PLANT। अम्मी ने खाना पकाना है, मदर MOTHER, मदर। खाने की अंग्रेजी जो होती है वो मील होती है, अक्सर बच्चे गलती करते हैं, फूड लिख देते हैं, तो फूड नहीं, जो खाना हम 3 टाइम खाते हैं उसे हम मील कहते हैं। यहाँ मैं थोड़ा लेक्सिकॉन के हवाले से भी, यानी जखीरे अल्फाज के हवाले से बता दूं कि जो सुबह का खाना है, जैसा कि हम सबको पहले से पता है कि ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो दोपहर के खाने को हम लंच कहते हैं और रात के खाने को हम सप्पर कहते हैं, SUPPER, सप्पर। डिनर जो है ये स्पेशल खाने को कहते हैं, जो हम किसी के एजाज में देते हैं, या स्पेशल खाना जो होता है उसे हम डिनर कहते हैं, और उसका वर्ब यानी डिनर करने को डाइन, DINE, डाइन, ये इसका वर्ब है। तो डिनर जो है वो स्पेशल खाना है, तो ब्रेकफास्ट, लंच और सप्पर। आगे, अल्लाह ने हमारी मदद करना है, अल्लाह इज टू हेल्प अस, ये इसका मैंने खुद आपको बता दिया है, ALLAH। माली ने पौधे को पानी देना है, गार्डनर, गार्डन होता है बाग, और ER उसके आगे लग जाए तो गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। गार्डनर माली को कहते हैं, और पानी देना की अंग्रेजी वाटर है, वाटर नाउन भी है, नाम भी है, पानी जो हम पीते हैं उसे वाटर कहते हैं, लेकिन पानी देना को भी हम वाटर कहेंगे। वाटर की फॉर्म्स है वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, यानी वाटर फर्स्ट फॉर्म है, वाटर्ड सेकंड फॉर्म है, और वाटर्ड ही उसकी थर्ड फॉर्म है, पानी देना। माली ने घास काटना है, तो गार्डनर की अंग्रेजी आपको पहले से पता है, और घास काटने की अंग्रेजी है मो, MOW, मो, MOWER, मोअर। मोअर कहते हैं घास काटने वाली मशीन को, और MOWED, मोड, मो, मोड, मोड, ये मो की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तुमने झूठ बोलना है, टेल ए लाई, टेल ए लाई होता है झूठ बोलना, TELL, टेल, ए अलहदा लिख के LIE, लाई, टेल ए लाई झूठ बोलना, और सच बोलने की अंग्रेजी होती है स्पीक द ट्रुथ, यानी झूठ के लिए टेल लगाते हैं और सच के लिए स्पीक लगाते हैं। हमने घर पे रहना है, स्टे होता है रहना एक ही जगह पे, STAY, स्टे, आगे ED लगा देंगे तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, स्टेड, स्टेट। आप इन सेंटेंसेस की इंग्लिश कागज के ऊपर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और इन ये हलशुदा जो फिक्रें हैं वो हम आपको इसी वेबसाइट पर आपको हम दे देंगे, आप ताकि आप खुद से चेक कर लें। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन था, क्लास 1 से क्लास 4 तक के बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी। अगर मदर्स अंग्रेज़ी सीखना चाहें तो पूरी दिलचस्पी से सीखें, इंशाल्लाह आप जब इसके 30 लेक्चर्स ले लेंगे तो आपको लगेगा कि अब आप अंग्रेज़ी बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे, और जब 90 लेक्चर्स आप ले चुकेंगे तो आपका पूरा एतमाद बहाल हो चुका होगा, आप हर तरह की अंग्रेज़ी की किताब, अखबार और कुछ भी पढ़ने और अंग्रेज़ी में बात करने के, मुकम्मल और दुरुस्त अंग्रेज़ी में बात करने के काबिल हो जाए। तो काजवे स्कूल हमेशा आपके साथ है,
मैंने आपको लेक्सिकॉन जो मुश्किल अल्फाज थे वो भी बता दिए। अब अगला जो हमारा अभी लेसन आने वाला है वो क्लास 5 से क्लास 8 तक के लिए है, तो वो इंशाल्लाह आपको जल्द मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।